हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइस प्रीवियस लेक्चर के अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ वाली प्लेलिस्ट में हमने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की एनुअल रिपोर्ट का पार्ट वन देखा था इट विल बी पार्ट टू तो बेसिकली रिपोर्ट के अंदर देखो एज uh, सच मैंने आपको कहा था चार पेज का रिपोर्ट है आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं कवर कर दूँगा और इन दो पार्ट्स में वो कवर हो गई हैं रिपोर्ट के अंदर एज सच कोई बहुत ज़्यादा सीक्वेंस या क्रोनोलॉजी को हमें देखना नहीं है मेनली तो हमें uh, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे लिए निकल करके आए हैं वो हमने करने हैं थ्योरी हम यहाँ पर यह डिस्कस कर लेंगे एम इसके जितने भी एनुअल uh, रिपोर्ट में से बन सकते थे प्रॉबेबल वो एम सी कॉम्बो कोर्स के अंदर ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ ठीक है जिस जो आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी गैप के एमसीक्यूज हैं ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं तो उनको जाकर के ज़रूर एक्सप्लोर कर लो 50% परसेंट ऑफ है इसके ऊपर अगर आप कोड यूज़ करते हैं यू पी एस सी ई पी एफ ओ एंड अगर आप एम सी क्यू कॉम्बो कोर्स लेते हैं तो आपको पी डी एफ फाइल्स के लिए यूट्यूब लेक्चर्स की अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है वो इंक्लूडेड इसमें रहेगा ठीक है चलिए शुरू करेंगे तो रिपोर्ट uh, के अंदर सोशल सिक्योरिटी का भी एक एलिमेंट था और सोशल सिक्योरिटी लॉज को हाईलाइट किया गया बेसिकली ये जो लॉज हैं ये हाईलाइटेड है आपके एक्ट uh, के अंदर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट को मैंने यहाँ पर नहीं डिस्कस किया है पेमेंट ऑफ़ ग्रेचुटि एक्ट के पॉइंट्स क्योंकि पेमेंट ऑफ ग्रैचुटी एक्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ ठीक है उससे रिलेटेड हमने दो पार्ट्स के अंदर वो डिस्कस किया था तो वो लेक्चर्स आप देख लेना तो इसीलिए मैंने वहाँ पर नहीं डिस्कस किया बाकी के जो एक्ट्स हैं उनके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर मैंशनड थे रिपोर्ट में वो हम देखेंगे सबसे पहले इम्प्लॉयीज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट नाइनटीन की बात करें तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट सबसे पहले तो अप्लाई कहाँ पर होगा ये उन फैक्ट्रीज में uh, लगेगा जहां पर दस या दस से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं प्रिसीडिंग ट्वेल्व मंथ्स के अंदर हम देखते हैं इसको ठीक है पिछले बारह महीने में दस या दस से ज्यादा कभी भी हुए थे इंप्लॉयज़ तो आपका ई एक्ट लागू होगा उसके बाद ई uh, एक्ट जो है इट विल बी अप्लाइड ऑन दोज इम्प्लॉयज जिनकी जो मंथली वेज है वो अपू रुपीज ट्वेंटी पर मंथ है फॉर नॉर्मल uh, जो फिट इम्प्लॉयज़ हैं एंड इफ देर आर पर्सन विद डिसबिलिटीज़ जो एम्प्लॉयड हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो उनके केस में ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर मंथ तक का है तो इक्कीस हज़ार रुपये पर मंथ और ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ तक जो है वो कवर्ड रहेंगे स्कीम के अंडर जो इम्प्लॉइज है जो अप टू ट्वेंटी वन थाउजेंड अर्न कर रहे हैं या अप टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अगर वो डिसेबल्ड है तो ये वैल्यूज आप याद रखेंगे ट्वेंटी वन थाउजेंड एंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ई जो स्कीम है इसको एडमिनिस्टर करता है आपका इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ई बेसिकली एंड ई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है जो एक किसी एक्ट के थ्रू फॉर्म हुई है तो ये एक्ट के थ्रू फॉर्म हुई है इसीलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड इसके अंदर इंप्लायर्स के इम्प्लॉज के सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के सबके रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं मेडिकल प्रोफेशन से भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पार्लियामेंट से भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और जो यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है वो चेयरमैन होते हैं ये भी याद रखेंगे ये सारे पॉइंट्स मैगजीन के अंदर हैं मैगजीन के बाहर से कुछ भी नहीं है जब मैंने बोला कि मैं, मैं मैगजीन कवर कराऊंगा तो उसका मतलब मैं स्ट्रिक्टली मैगजीन कवर करा रहा हूँ जब मैंने बोला कि मैं एन कवर कराऊंगा तो मैं स्ट्रिक्टली एन कवर करा रहा हूँ उसका रीजन क्या है अब मैं इधर उधर से डाटा डाल दूँ उसके बाद फिर बच्चों को लगता है यार ये तो कुछ और शुरू हो गया वो वो वाला गेम हम नहीं खेलेंगे मैगजीन कर रहे हैं तो मतलब मैगजीन कर रहे हैं हेडक्वार्टर्स क्वार्टर्स ई एस आई सी का दोस्तों लोकेटेड है न्यू डेली के अंदर ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे एंड ई एस आई जो स्कीम है जो इम्प्लॉज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है इसकी फाइनेंसिंग कहाँ से होती है इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है एम्प्लॉयर और इम्प्लॉयज़ दोनों का ठीक है ई एस आई एक्ट के थ्रू जो इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो चार परसेंट का होता है एम्प्लॉय के मंथली वेजेस का और इसमें से चार परसेंट में से थ्री पॉइंट टू फाइव जो परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो इम्प्लॉयर का होता है और पॉइंट सेवन फाइव कॉन्ट्रीब्यूशन इम्प्लॉय का होता है तो ई एस आई स्कीम के अंदर पैसा कहाँ से आ रहा है चार परसेंट जो इम्प्लॉय की वेजेज हैं उसका चार परसेंट में से थ्री पॉइंट टू फाइव परसेंट तो इम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा और पॉइंट सेवन फाइव इम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा परसेंटेजेज याद रखेंगे उसके बाद जी ई एस आई सी के अंदर एक और प्रोग्राम है जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स को एक पेमेंट दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट को ये पैसा ई एस आई सी इसलिए देता है ताकि मेडिकल केयर प्रोवाइड की जा सके जो भी इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के बेनिफिशरीज हैं उनको और इसके अंदर एक लिमिट भी सेट की गई है सीलिंग है तीन हजार रुपए की तो थ्री थाउजेंड मैक्सिमम पर इंश्योर्ड पर्सन फैमिली यूनिट पर एनम आप दे सकते हो मतलब साल का तीन हजार रुपए तक का इसका सीलिंग है ये सीलिंग भी आप ध्यान में रखेंगे और ये जो एक्सपेंडिचर होता है मेडिकल केयर बेनिफिट का ये ईएसआई एस और स्टेट गवर्नमेंट आपस में शेयर करते हैं सेवन रेशियो वन के अंदर बेसिकली तीन हजार रुपए अगर है तो तीन हजार रुपये में सेवन पार्ट्स जो है वो ईएसआई के होंगे और वन पार्ट जो है वो आपका किसका होगा स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन उसके बाद ई के ऊपर अगर हम बात करें तो ई स्कीम देखो जी 2014 में इसकी लिमिट बढ़ा दी गई थी तो ई स्कीम बेसिकली उन आ, इम्प्लॉयज uh, को कवर करेगी जिनकी सैलरी अप टू फिफ्टीन थाउजेंड है ठीक है और तक तो पेंशन स्कीम तो के अंदर देखो जी अब uh, जो प्रोविडेंट फंड होता है ना प्रोविडेंट फंड में इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है उस प्रोविडेंट फंड में से जो इम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है बेसिकली जो प्रोविडेंट फंड है ना प्रोविडेंट फंड में से एट शेयर जाएगा ठीक है और 1.16 परसेंट जो है वो इम्प्लॉय का सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगा 8.33 पॉइंट की तरफ से 1.16 जो है वो सरकार की तरफ से तो ये परसेंटेजेस थोड़ा सा याद रख लेंगे 2014-15 में सरकार एक और मैकेनिज्म लेकर के आई थी मिनिमम पेंशन का कि यार एक मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए पेंशन की इतनी तो कम से कम हर किसी को मिलनी चाहिए तो मिनिमम पेंशन की जो लिमिट्स हैं वो आपको याद रखनी है थाउजेंड रुपीज मिनिमम पेंशन सेट की गई है जो भी मेम्बर्स हैं या मेम्बर की जो विडो है या डिसेबल्ड या नॉमिनी डिपेंडेंट डिपेंडेंट पेरेंट पेंशनर्स उसके इसमें हजार रुपए हैं ऑरफन पेंशनर्स बेसिकली जहाँ पर जो मेम्बर्स थे दोनों हसबेंड वाइफ की डेथ हो गई है ऑरफन बच्चे हैं सेवन फिफ्टी है टू फिफ्टी पर मंथ फॉर चिल्ड्रन पेंशनर्स ठीक है तो हज़ार साढ़े सात सौ ढाई सौ किस किसके लिए वैल्यू है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है चीजें तो थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी मेमोराइज करनी पड़ेगी प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के बारे में फिर देखते हैं तो 9 अगस्त 2016 के अंदर प्रधानमंत्री प्रोत्साहन रोजगार योजना शुरू की गई थी ठीक है इस स्कीम के बारे में आपने देखा होगा शायद पढ़ा होगा इंपॉर्टेंट स्कीम है अच्छे से इसको कवर अप करना है। ओके। और बेसिकली इसमें क्या था फॉर्मल सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट हम इंक्रीज करना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को हम वर्क फोर्स के में के में लेकर आ सकें फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट इतनी कम क्यों है उसका रीजन है खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं एम्प्लॉयर के पेंशन फंड में पैसा डालो प्रोविडेंट फंड में पैसा डालो तो इसीलिए सरकार ने क्या बोला कि भाई तुम फॉर्मल सेक्टर में जॉब क्रिएशन करो जो इम्प्लॉई पेंशन स्कीम कॉन्ट्रीब्यूशन है एट पॉइंट थ्री थ्री परसेंट का जो इम्प्लॉयर को पे करना होता है वो हम पे करेंगे सरकार ने क्या बोला हम पे करेंगे ठीक है पहले तीन साल इंप्लॉयमेंट के हम पे करेंगे उसके बाद 2018 में सरकार ने फिर इसके अंदर अमेंडमेंट कर दी सरकार ने कहा कि पेंशन वाला कंट्रीब्यूशन तो हम करेंगे ही करेंगे जो इंप्लॉई पेंशन स्कीम वाला है वो तो हम करेंगे ही करेंगे प्रोविडेंट फंड का जो शेयर है वो भी हम करेंगे पहले तीन सालों के लिए जो भी नए इम्प्लॉयज हैं ठीक है या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ थ्री ईयर हम करेंगे ताकि एक फॉर्मल सेक्टर के अंदर इम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो ये स्कीम भी उन uh, के लिए एप्लीकेबल है जिनकी सैलरी अप टू फिफ्टीन थाउजेंड पर मंथ है ठीक है क्योंकि ज्यादा जो सैलरी होती है जनरली पंद्रह हजार तक की सैलरी वाली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं फिर तो आप ऑटोमेटिकली वो ऑर्गेनाइज के अंदर आ जाता है एम्प्लॉ कम्पनसेशन एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी थ्री अब ये इम्प्लॉय कम्पनसेशन एक्ट बेसिकली क्या है ये कम्पनसेशन प्रोवाइड करता है अगर इम्प्लॉयी की डेथ हो जाती है तो उसके डिपेंडेंट्स को या इम्प्लॉयी को इंजरी हो गई एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर तो उसके इसमें कम्पनसेशन प्रोवाइड करता है अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट कुछ जो लिमिट्स थी वो देखो एक तो इसमें सबसे पहले दो हजार सत्रह में अमेंडमेंट हुई थी पहले पेनल्टी होती थी अगर एक्ट के प्रोविजन का वॉयेशन हो रहा है तो पहले पेनल्टी होती थी पाँच हज़ार की अमेंडमेंट के बाद पेनल्टी को पचास हजार कम से कम कर दिया है जिसको एक लाख तक लेकर के जाया जा सकता है दूसरा पहले जो प्रोविजन होता था अपील का तीन सौ रुपए तक का भी अगर कोई पेनल्टी का केस है ना उसमें आप अपील कर सकते हो लेकिन अब पेनल्टी अपील करने के लिए जो अमाउंट इन्वॉल्व है उसको टेन थाउजेंड या हाइयर होना चाहिए ठीक है अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट इसको टाइम टू टाइम चेंज कर सकती है तो ये बस यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यूज का थोड़ा सा ध्यान आप रखेंगे जस्ट गिव मी सेकंड गाइस उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961 ये इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर अभी अमेंडमेंट्स भी की गई थी तो जो रिपोर्ट के अंदर पॉइंट्स हाईलाइटेड है वो देखते हैं तो मेटर्निटी एक्ट वुमेन एम्प्लॉयमेंट फैक्ट्री माइन कहीं पर भी है प्लांटेशन हर जगह लगेगा जहां पर दस या दस से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं बेनिफिट्स देख लो इसमें जो कुछ हैं वो इम्पोर्टेंट uh, है पता होने चाहिए सबसे पहले तो मेटर्निटी लीव ट्वेंटी वीक्स की है जो पेड मेटर्निटी लीव है अब इसके अंदर एक रूल है कि ऐसा नहीं है कि ट्वेंटी सिक्स वीक्स आप सारे के सारे डिलीवरी डेट के बाद लोगे ठीक है इसमें क्या होता है कि आठ हफ्ते आपको डिलीवरी डेट से पहले भी नेसेसरीली जो है वो लेनी पड़ेगी लीव यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी जो डिलीवरी डेट है अगर आपकी डिलीवरी डेट ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जून है मे है तो ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ मे से आठ हफ्ते पहले आपको ऑफ लेना शुरू करना पड़ेगा छब्बीस हफ्ते बेसिकली तो मैक्सिमम आप मतलब आफ्टर डिलीवरी सिक्सटीन वीक्स बचते हैं आपके पास नहीं तो ये इसीलिए है ना ताकि वुमेन आफ्टर डिलीवरी ज़्यादा छुट्टी लेने के चक्कर में जो वो मेजर पीरियड है प्रेगनेंसी का उस टाइम पर रिस्क ना लें अपनी हेल्थ के साथ और ये जो ट्वेंटी सिक्स वीक्स की मेटर्निटी पेड मेटर्निटी लीव का बेनिफिट है ये अप टू टू सर्वाइविंग चिल्ड्रन मिलता है उसके बाद अगर दो से ज़्यादा बच्चे हैं ठीक है तो उस केस में अगर दो बच्चे आपके ऑलरेडी हो चुके हैं अब आपका तीसरा बच्चा हो रहा है बंदे का तीसरा बच्चा हो रहा है तो उस केस में उसको बारह छब्बीस हफ्ते की पेड लीव नहीं मिलेगी ट्वेल्व वीक्स की मिलेगी साथ ही साथ जो अगर बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं अडॉप्टिंग मदर है उनको भी मेटरनीटी लीव मिलती है बट ट्वेंटी सिक्स वीक्स की नहीं ट्वेल्व वीक्स की ठीक है उसके अलावा अगर प्रेगनेंसी की वजह से इलनेस या प्री मेच्योर डिलीवरी प्री मेच्योर बर्थ ऑफ चाइल्ड या ऐसा कुछ होता है मिसकैरेज वगैरह हो गया तो उसके इसमें एक महीने की मेटर्निटी लीव मिलती है वुमेन को टू नर्सिंग ब्रेक्स होंगी पंद्रह पंद्रह मिनट की दो नर्सिंग ब्रेक्स आपको देनी पड़ेंगी मदर्स को जब तक उनका बच्चा फिफ्टीन मंथ्स की एज का नहीं हो जाता ठीक है पंद्रह पंद्रह मिनट की दिस इज अपार्ट फ्रॉम द लंच ब्रेक एंड ऑल उनसे अलग होता है उसके अलावा जनरली क्या होता है कि इंप्लॉयर को ना फ्री ऑफ चार्ज पोस्ट नेटल केयर के अरेंजमेंट करना होता है वुमेन के लिए अब कई जगहों पर कहता है यार कहाँ से करें हम तो उसके इसमें सरकार कहती है कि आप उनको पैसे दे दो मेडिकल बोनस दे दो पैंतीस सौ रुपए का अगर आप उनको पोस्टनेटल केयर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे ठीक है डिलीवरी के बाद दस हफ्तों तक उससे कोई हैवी काम ना कराया जाए लाइट वर्क कराया जाए प्रेगनेंसी की वजह से अगर एबसेंस हो रही है तो अब

आपको वुमेन को डेली चार विजिट्स अलाउ करने पड़ेंगे एक बार ये सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन में आया था सिविल सर्विसेज अभी तीन चार साल पहले एग्जैक्ट ईयर तो मेरे दिमाग में नहीं है अभी पर तीन चार साल पहले उन्होंने पूछ लिया था कि जो एक्ट है उसके अंदर कितने विजिट्स जो हैं क्रेच है क्रैच में अलाउड हैं आपको लग रहा होगा कि यार ये सर क्यों करा रहे हो ये कौन पूछेगा क्वेश्चन में यूपीएससी सिविल सर्विसेज में और यूपीएससी आपसे इन एग्जाम्स में हल्के में मतले करके चलना है कि यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हल्का होगा

और 2017-18 में इन्होंने बोला था कि यार इंडिया के अंदर ना ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर मिलाकर के टोटल 47 47 करोड़ की 47 में से सिर्फ 9 करोड सेक्टर में है एंड 38 एट करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है ठीक है तो अराउंड 81 परसेंट जो पॉपुलेशन है वर्किंग पॉपुलेशन है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए स्लाइड है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर से रिलेटेड आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड के बारे में काफी सारे प्रोविजन हैं ठीक है इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स से रिलेटेड तो उसमें क्या बोलता है कि देखो जी इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर कौन है जो अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में आकर के काम कर रहा है अब हो सकता है कि उसको इम्प्लॉयर ने डायरेक्टली हायर कर लिया हो ठीक है या किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर किया हो या इंप्लॉयी जो है जो वर्कर है वो पहले दूसरी स्टेट में आ गया हो और वहां पर जाकर के उसने जॉब ढूंढी तो वो हर केस में इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर की डेफिनेशन में आएगा लेकिन इसके अंदर एक वेजिस का भी सिनेरियो है वेजेस अट्ठारह हज़ार से ऊपर नहीं होनी चाहिए तो अगर आपकी अट्ठारह हजार से ऊपर की वेज है किसी की और आप दूसरी स्टेट में भी जाकर के काम कर रहे हो तो फिर वो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर वाले जो बेनिफिट्स होते हैं और जो वो सारी चीजें होते हैं वो नहीं मिलेंगी तो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कुछ प्रोविजंस हैं आपके ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड में जो रिपोर्ट के अंदर स्पेसिफिकली हाईलाइटेड थे अब उसमें क्या है कि भाई जो भी कॉन्ट्रैक्टर है या इंप्लॉयर है उनको इंश्योर करना है कि कंडीशन ऑफ वर्क अच्छी होनी चाहिए माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ठीक है उसके बाद फेटल एक्सीडेंट या सीरियस बॉडीली इंजरी हो जाती है तो आपको स्पेसिफाइड अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना है ठीक है स्टेट के अंदर और उसके परिवार वालों को रिपोर्ट करना है माइग्रेंट वर्कर सारे बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल है जो रेगुलर वर्कर को मिलते हैं ठीक है ई एस आई सी ई पी एफ ओ आप ये नहीं बोल सकते कि तू तो दूसरी स्टेट से आया तो तेरे को बेनिफिट नहीं मिलेंगे साथ ही साथ कोड क्या बोलता है कि आपको साल में एक बार एक लमसम जर्नी अलाउंस देना है जिससे वो अपने घर आ जा सके साल में एक बार उसके बाद जी पी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बेनिफिट्स के लिए भी वो एलिजिबल है अगर वो अपनी नेटिव स्टेट के अंदर एलिजिबल था जहाँ पर बेसिकली वो रहता है अब दूसरी स्टेट में आकर के वो काम कर रहा है वो उसकी डेस्टिनेशन स्टेट हो गई तो वो डेस्टिनेशन स्टेट में भी उसको बेनिफिट्स मिलेंगे अंडर द इनिशिएटिव नेम्ड वन नेशन वन राशन कार्ड इसीलिए तो बनाया था हमने ये इनिशिएटिव अब एक सेस फंड भी होता है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर का अब एक वो बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करता है और इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर है तो उसको इस फंड के बेनिफिट भी मिलेंगे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए जहाँ पर इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर अपना कोई डिफिकल्टी है तो उसको कन्वे कर सके अब इसके अंदर एक और प्रोविजन है फॉर एक्जाम्पल माइग्रेंट वर्कर ने इंप्लॉयर से या कॉन्ट्रैक्टर से कुछ पैसा लिया हुआ था उधार अब उसकी इंप्लॉयमेंट खत्म हो गई तो कोर्ट क्या बोलता है कि एक बार इंप्लॉयमेंट खत्म हो गई तो उसकी जितनी लाइबिलिटी थी वो भी खत्म हो गई ठीक है अब लाइबिलिटी खत्म हो गई तो इसका मतलब जो भी इंप्लॉयर है या कॉन्ट्रैक्टर है वो कोर्ट में नहीं जा सकता कि भाई इसने मेरा पैसा देना इंप्लॉयमेंट खत्म तो जो भी लाइबिलिटी थी वो भी खत्म हो जाएगी नेक्स्ट बात करेंगे बॉन्डेड लेबर की तो बॉन्डेड लेबर के कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइटेड थे स्पेसिफिकली जो आपकी मॉडिफाइड सेक्टर स्कीम फॉर रीहेबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर है इसको इस पर्टिकुलर स्कीम को यहाँ पर हाईलाइट किया गया था तो इस स्कीम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी रेस्क्यूड बॉन्डेड लेबरर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस कितनी होगी देखो अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग है अगर तो जो बॉन्डेड लेबर में जिनको रेस्क्यू किया गया है वो एडल्ट मेल है तो एक लाख रुपए की स्पेशल कैटेगरी बेनिफिशरीज स्पेशल कैटेगरी बेनिफिशरीज में कौन आ गए बच्चे आगे चाहे वो ऑर्फन हो ठीक है या जिनको ऑर्गेनाइज या फोर्स बेगिंग रिंग्स से सरकार ने बचाया है फोर्स्ड चाइल्ड लेबर या वुमेन तो उस केस में दो लाख रुपया उसके बाद तीन लाख रुपया किन के लिए जो एक्सट्रीम केस है एक्सट्रीम केस जैसे कि ट्रांसजेंडर्स हो गए या वुमेन और चिल्ड्रन जिनको सेक्सुअल एक्सप्लाइटेशन जैसे कि ब्रॉथल्स मसाज पार्लर्स प्लेसमेंट एजेंसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऐसी जगहों से या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो हैं उस केस में तीन लाख रुपए ठीक है या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी अथॉरिटी सी थोड़ी सी छोड़ी गई है कि आप डिसाइड करो कि एक लाख दो लाख या तीन लाख वाली कैटेगरी में आएगा उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को ये सारा का सारा जो पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी स्टेट गवर्नमेंट को जरूरी नहीं है कि वो मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन दें उसके अलावा स्कीम के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है डिस्ट्रिक्ट को तो हर डिस्ट्रिक्ट को साढ़े चार लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि वो एक सर्वे कंडक्ट कर सकें बॉन्डेड लेबरर्स कितने हैं कितने नहीं वंस इन एवरी थ्री ईयर्स ठीक है सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट में ये पैसा दिया जाएगा साढ़े चार लाख रुपए उसके अलावा डेढ़ लाख रुपया दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट को इवेल्युएट्री स्टडी करने के लिए इवेलुएटरी स्टडी बेसिकली पाँच इवेलुएटरी स्टडी ये पर ईयर कंडक्ट कर सकते हैं इवेलुएशन करने के लिए कि स्कीम्स वगैरह काम कर रही हैं या नहीं और हर स्टेट को दस लाख रुपया दिया जाएगा इस स्कीम के अंडर अवेयरनेस जनरेशन का काम करने के लिए बॉन्डेड बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड उसके अलावा जब भी किसी को रेस्क्यू किया जाएगा और उसको रिहेबिलिटेशन करके फिर जब दोबारा से सोसाइटी के अंदर छोड़ा जाएगा तो उसको इमिजिएटली तीस हजार रुपए देना है एक लाख दो लाख तीन लाख जितना भी उसका बनता है इमीजिएटली उसको एक लाख रुपए में से या दो लाख में से या तीन लाख में से तीस मिल जाएगा उसके बाद पहले जो भी कन्विक जो भी गुनहगार था जो बॉन्डेड लेबरिंग का काम करा रहा था उसको सजा दिलानी है ठीक है और बाकी का पैसा फिर उसको मिलेगा लेकिन कई केसेस में ऐसा हो सकता है कि केस बड़ा लंबा चल गया तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये डिसाइड करेगी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ये डिसाइड करके बोल सकता है कि नहीं भाई केस तो लंबा चल रहा है लेकिन इनको पैसा जो है हम पहले ही दे देते हैं उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक बॉन्डेड लेबर रिहेबिलिटेशन फंड बनाया जाएगा जिसके अंदर दस लाख रुपए परमानेंटली रखे जाएंगे और ये ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के डिस्पोजल पर, पर होगा बेसिकली अगेन टू हेल्प द बॉन्डेड लेबरर्स होगा ओके okay? फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात आ जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर बेसिकली ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोल्यूशन एक्ट 1970 है ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के हेल्प के लिए था ट्वेंटी या ट्वेंटी से ज्यादा वर्कर्स जहाँ पर काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज पे भी अप्लाई होगा रिपोर्ट के अंदर इतना ही था हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बाकी अगर कुछ और होगा तो हम और वीडियोस में देखेंगे वुमेन वर्कर्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे तो क्या बोलता है कि देखो जी इंडिया के अंदर जो फीमेल वर्कर्स हैं इट इज अराउंड वन मिलियन सेंसस दो के हिसाब से जिनमें से रूरल जो है वो वन ट्वेंटी एट है और ट्वेंटी एट मिलियन अर्बन एरियाज में है। तो रूरल एरियाज में ज्यादा फीमेल वर्कर्स तो तो आप देख रहे हो एग्रीकल्चर के काम में इन्वॉल्व है ठीक है जो बाकी बचे उसमें से साढ़े आठ हाउस होल्ड हा। इंडस्ट्री के अंदर है और 45, को अदर वर्कर की कैटेगरी में रखा गया इतना याद करने की जरूरत नहीं है रिपोर्ट के अंदर था तो मैंने डाल दिया मेनली तो ये टोटल नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स याद रख लेना रूरल अर्बन याद रख लेना ज्यादा ज्यादा सफिशिएंट है ओके वर्कर पार्टिसिपेशन रेट 25.51% है ठीक है uh, 25.63 था 2001 में तो ये वर्कर पार्टिसिपेशन परसेंटेज भी थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे इक्वल रेम्यूनोरेशन एक्ट ये बेसिकली एक आई एल ओ की कन्वेंशन है कन्वेंशन नंबर वन हंड्रेड जो इक्वल रेम्यूनरेशन की बात करती है मेन और वुमेन की और भारत सरकार ने इसको रेटिफाई किया था नाइनटीन फिफ्टी एट में तो रेटिफिकेशन के बाद कोई ना कोई देश में भी कानून बनाना है तो इसी आई एल ओ कन्वेंशन हंड्रेड के लिए जो इक्वल रेम्यूनोरेशन के लिए थी उसी के लिए इन्होंने ये एक्ट बनाया था तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि एक्ट किस वजह से आया था तो आपको अब ये भी पता चल गया कि आई एल ओ कन्वेंशन नंबर हंड्रेड इक्वालिटी इन रेम्यूनोरेशन की बात करती है सो दिस इज़ इट गाइज दिस वॉज पार्ट टू एंड अब आपका एनुअल रिपोर्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो कवर हो गए हैं तो अगर वह देखना पुराने एक्ट में से क्वेश्चन ज़्यादातर इन्हीं एरियाज में से आ जाएंगे जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं ठीक है सो so कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सब्सक्राइब कर लो चैनल को और व्हाट्सएप और मेल तो आपके पास है ही है साथ ही साथ एक बात और मैं आपको बोलना चाहूँगा जब जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है रेगुलर रहें लेक्चर्स के अंदर एंड इट विल हेल्प यू अलआट गाइड्स ठीक है अभी एक महीना अपने पास है अपन रोज़ लेक्चर डालेंगे एंड रोज़ की आपने पढ़ाई करनी है डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टेक केयर एंड बाय